Bismillahir Rahmanir Rahim this is now a new chapter um, from the course uh, economic ideology of islam and in this chapter uh, we will be discussing about the different aspects uh, including introduction to islamic banking its uh, uh, scope uh, features uh, and the difference between conventional bank and islamic bank so let us start uh, with the first टाइटल एंड दैट इज रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी के बैंक्स का जो मीशत है मुल्क की मीशत में इसका रोल क्या होता है और इसका किरदार क्या होता है सो फॉलोइंग आर द मेजर रोल्स ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी रोल नंबर वन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स जो इसके कस्टमर्स होते हैं उनके बिहाफ पर ये जो उनके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसको एक्सचेंज करता है और इसी के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ ओन फाइनेंशियल एसेट्स यानी ये कस्टमर्स के जो एसेट्स हैं उनको जहां एक्सचेंज करता है वहीं पर अपने एसेट्स को भी एक्सचेंज करता है तो प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ कैश टू डिपॉजिटर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी वी कैन नॉट इग्नोर और नो वन कैन इग्नोर दिस कि सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो आज के दौर में वो ये है कि के ये कैश को आ, की सेफ्टी जो है उस अपने डिपॉजिटर को प्रोवाइड करता है कि इसके डिपॉजिटर्स का जो माल है वो सेफ तरीके से एक जगह पर मौजूद रहे इट्स एन इन्वेस्टमेंट डिवाइस फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट डिपॉजिट्स आर यूज्ड इन इकोनमी इट्स ए प्लेटफार्म फॉर स्मॉल सेवर्स जितने भी स्मॉल सेविंग वाले जो लोग हैं वो लोग जिनकी सेविंग्स बहुत कम होती हैं उनके लिए भी ये एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है कि वो अपनी सेविंग्स छोटी छोटी उन सेविंग्स को वो अपने अकाउंट्स में रखें और उस अमाउंट को जो कि उनकी बहुत छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं माइक्रो लेवल पर उसको जब ये सबसे कलेक्ट करके नेशनल लेवल पर जब उसको इन्वेस्ट करता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत माइक्रो लेवल पर होता है सो द बैंक चैनलाइजेज आइडल वेल्थ ऑफ सोसाइटी इज एनदर फीचर एनदर रोल ऑफ द बैंक वो तमाम ऐसा पैसा जो कि आइडल पड़ा हुआ होता है जो कि की मीशत में नहीं होता उसको उस मुल्की मीशत के धारे में लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यह प्ले करता है सो दी वेल्थ वॉज कैप्ट प्राइवेटली एंड बिकम्स आइडल एक शख्स है उसने अपने पास कैश रखा हुआ है और वो बिल्कुल आइडल है अलहदा पड़ा हुआ है न वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है न इससे उसे कोई फायदा हो रहा है जिसका ये कैश है और ना इससे दूसरों को फायदा हो रहा है इस आइडल वेल्थ को जब बैंक लेकर के आता है कलेक्ट करता है अपने कस्टमर से और जब इसको इन्वेस्ट करता है तो इस माइक्रो इन्वेस्टमेंट uh, का जो इम्पैक्ट है वो मैक्रो लेवल पर uh, जो आता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने में आता है नेशनल uh, जो इनकम होती है उसमें इस वेल्थ का सो एन इंडिविजुअल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी थ्रू दिस चैनलाइजेशन ऑफ द बैंक अनदर रोल ऑफ द बैंक दैट इट असिस्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड सर्विसज फॉर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी चेकस एंड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ईज इन पेमेंट्स सो एन अदर रोल ऑफ द बैंक दैट इट प्रोवाइड कैश मैनेजमेंट सर्विस ये आपको कैश मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है जिससे आपको इन्फॉर्म करता है अपडेट रखता है यानि जहां पर आपके कैश को ये आ, सेफ रखता है वहीं पर ये आपको अपडेट भी रखता है उस केश से मुतालिक एंड देर इज नो नीड टू कीप ए सेपरेट बुक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कैश सो नो नीड फॉर कीपिंग बुक्स इन होम आपको घर में कोई अलहदा से किसी रिकन्सलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि ये आ, आपके कैश को मैनेज करता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रिकॉर्ड uh, कीपिंग का काम भी करता है और आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी करता है सो अनदर रोल ऑफ द बैंक ए गवर्नमेंटल टूल फॉर मॉनिटरी कंट्रोल विच इंक्लूड्स होर्डिंग एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल मनी सप्लाई टू ए पर्टिकुलर सेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए ये फंक्शन करता है तो गवर्नमेंट के लिए फंक्शन इस तरीके से करता है कि ये जो जखीरा अंदोजी है उसको भी कंट्रोल करता है इसी तरीके से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट के ये बहुत उसकी उसके साथ ताउन करता है कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट स्टेट बैंक डिक्लेयर करता है उसके मुताबिक जो पॉलिसीज आती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में और एग्जीक्यूशन में ये गवर्नमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है सो मनी सप्लाई टू अ पर्टिकुलर सेक्टर इज़ अनदर रोल ऑफ द uh bank